अगर आपके बच्चे को कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो मैं आशा करूंगा इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चक्षु, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की समस्या के बारे में। तो पहले डिसाइड कर लेते हैं क्या होता है बच्चों में कॉन्स्टिपेशन। अगर आपका बच्चा हफ्ते में 3 बार से कम फ्रेश होता है तो आप उसे कॉन्स्टिपेशन बोल सकते हैं। इसके साथ में अगर आपका बच्चा बार बार हार्ड और पेनफुल स्टूल की शिकायत करता है तो भी आप उसे कॉन्स्टिपेशन बोल सकते हैं। अगर आपका बच्चा स्टूल को विदहोल्ड कर लेता है, दर्द की वजह से रोक लेता है, बाहर नहीं आने देता और ऐसा हफ्ते में 2 बार से ज्यादा करता है तो भी आप उसे कॉन्स्टिपेशन बोल सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों में कब्ज या कॉन्स्टिपेशन के कारणों के बारे में। पहले बात करेंगे 6 महीने से छोटे बच्चों की। 6 महीने से छोटे बच्चों में अक्सर फिजियोलॉजिकल कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी आंतों का इम्प्रॉपर डेवलपमेंट या फिर एंजाइम का कम प्रोडक्शन या फिर रिड्यूस्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तीनों कारणों की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है दूध, या तो बच्चे को मिल्क इंटॉलरेंस या मिल्क एलर्जी हो सकती है, या फिर हम बच्चे को दूध ज्यादा अमाउंट में दे रहे हैं, कम अंतराल में दे रहे हैं, उसकी भूख के हिसाब से उसको दूध नहीं दिया जा रहा या ज्यादा दिया जा रहा है, तीनों कारणों की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तीसरा बड़ा कारण होता है बॉटल फीडिंग, यानी फॉर्मूला मिल्क या फिर कभी कभी काउज मिल्क की वजह से भी बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है। अब बात करते हैं 6 महीने से बड़े बच्चों की। तो 95% ऐसे बच्चों के अंदर फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी पहली बार जब बच्चा मोशन करने गया, उसे हार्ड स्टूल आया, उसे को दर्द हुआ, तो वो अपने स्टूल को अगली बार विदहोल्ड कर लेगा। काफी देर तक रोकने की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और स्टूल ड्राई हो जाएगा। तो जब इस बार वो दोबारा स्ट्रेन लगाएगा तो फिर दोबारा दर्द होगा। इस दर्द की वजह से ही बच्चों में अक्सर कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है। दूसरा बड़ा कारण होता है अर्ली टॉयलेट ट्रेनिंग, यानी 18 महीने से पहले ही हम बच्चे को पॉट पर बैठकर मोशन जाना सिखा देते हैं और अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट की वजह से बच्चा ऐसे में कई बार स्टूल को विदहोल्ड कर लेता है और कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है बड़े बच्चों के अंदर, यानी 2 साल से बड़े बच्चों के अंदर, वो होता है डाइट्री, यानी अगर आपका बच्चा प्रॉपरली फाइबर्स नहीं ले रहा है, फ्रूट्स नहीं ले रहा है, पानी भरपूर मात्रा में नहीं ले रहा है, या फिर पानी की बजाय जो बाकी ड्रिंक्स होती हैं उनको भी प्रॉपरली नहीं ले पा रहा है तो भी बच्चों में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन का इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली स्टूल टेस्ट है। जैसे ही आप अपने बच्चे के पहले स्टूल को लैब में ले जाके देते हैं तो रिपोर्ट में अगर लिखा आता है कि स्टूल एसिडिक है या फिर उसके साथ में उसकी कंसिस्टेंसी हार्ड होती है या सॉफ्ट भी हो सकती है, कभी कभार उसके साथ म्यूकस भी आ सकता है, तो आप ऐसी कंडीशन में बच्चे को कॉन्स्टिपेटेड घोषित कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर एक कमेंट छोड़ दीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। To get a notification of more such videos, subscribe to our channel and press the bell icon.